नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अब्दुल्ला आजम की। जी हां, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां अखिलेश यादव आजम खान से नाराजगी उनकी दिखाई दे रही थी। आजम खान की नाराजगी अखिलेश से थी, पर अखिलेश अब अपनी नाराजगी भी दिखाने लगे थे। लेकिन इसी बीच जहां आजम खान की तबीयत भी खराब हुई थी, आप जानते होंगे कि आजम खान अस्पताल में भर्ती थे, जहां अखिलेश यादव भी उनसे मिलने पहुंचे, उनकी तबीयत के बारे में जानकारी ली, जायजा लिया, उनसे बातचीत की, और उसके बाद अखिलेश यादव ने एक बड़ी खुशखबरी आजम खान को दे दी। जी हाँ, उनके बेटे आजम अब्दुल्ला को लेकर बड़ी खुशखबरी जो है वो ये है कि अखिलेश यादव ने आजम खान को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। और उसी बड़ी जिम्मेदारी में सिर्फ आजम अब्दुल्ला ही नहीं, बल्कि उनके साथ तीन और ऐसे लोग हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव ने यहाँ एक बड़े खेल खेलने की कोशिश की, एक बड़ा खेल जहां पर आजम खान का साथ दिखाने की कोशिश की। आजम खान के साथ हम खड़े हैं और हर वक्त साथ हैं। तो यहां पर अखिलेश यादव जो है दो तरफा खेल खेल रहे हैं, जहां पर उन्हें पता है कि हमें कहां से जो मुस्लिम वोट बैंक है वो मिलेगा, क्योंकि उन्हें पता लग गया है किस तरह से रामपुर और आजमगढ़ से एक बड़ी हार हमें मिली है, उस हार को हमें कैसे भरपाई करना है वो यहां पर आजम अब्दुल्ला के इस उम्मीदवार बनाने से होगी। ये बड़ी जिम्मेदारी मिलना, अखिलेश यादव का इस तरह से खेल बनाना, क्या आजम खान को समझ आ रहा है? क्या आजम खान इस बात को समझ रहे हैं कि अखिलेश यादव आखिर चाह क्या रहे हैं, अखिलेश यादव की पूरी प्लानिंग क्या है? बहरहाल अखिलेश यादव और आजम खान ही जाने इस बीच के बारे में। लेकिन इस वक्त जिस तरह से अखिलेश यादव ने मौका देकर चौका मारने की कोशिश की, मौका देकर आजम अब्दुल्ला को बड़ी जिम्मेदारी देने की कोशिश की, और उस जिम्मेदारी को आजम अब्दुल्ला कितने अच्छी तरीके से निभाते हैं वो उसका इंतजार रहेगा। समाजवादी पार्टी में आजम अब्दुल्ला की जिम्मेदारी देने से कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि कुछ समय से समाजवादी पार्टी में कई चीजें ऐसी हैं जो ठीक नहीं चल रही हैं, बहुत ऐसी चीजें जहां पर आजम अब्दुल्ला जो हैं उन्हें जिम्मेदारी दे रही थी, पर अखिलेश यादव नहीं दे रहे थे। और सिर्फ आजम अब्दुल्ला नहीं, बल्कि चाहे उनकी पत्नी डिम्पल यादव हो, आजम खान की पत्नी हो, क्योंकि इससे पहले जब चुनाव हुए थे, यानी कि उपचुनाव हुए थे आजमगढ़ और रामपुर के, तो उस वक्त मना कर दिया गया था। यानी कि पहले खबरें ये आ रही थी कि अखिलेश यादव आजम खान की पत्नी को वहां पर जो है उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करेंगे, लेकिन मामला जो है उलट गया, उन्होंने खेल पलट दिया और किसी और को वो मौका दे दिया और साथ ही चुनाव हार गए। इसी तरीके से अपने पत्नी के बारे में भी आया था, यानी कि उनकी पत्नी डिम्पल यादव की भी खबरें सामने आई थी, ना ही उन्हें उन्होंने ऐसा कुछ मौका दिया। फिलहाल जिस तरह से अखिलेश यादव ने आजम खान के बेटे को ये मौका दिया है, बड़ी जिम्मेदारी दी है, देखते हैं किस तरह का खेल अखिलेश यादव खेलने जा रहे हैं और क्या इस खेल में उनकी जीत होगी या नहीं। लगातार इन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइव।